सुबह के बजे हैं 5 और लिस्ट सो रही है और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह से। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मुझे शायद थोड़ी देर में नींद आ जाए, नींद नहीं आ रही थी, सर बजा था, पैनाडोल ले ली थी मैंने। तो खैर अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है और फिर थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं, फिर जो भी सीन होगा बताते हैं जी। तो आज आपको दिखाते हैं क्या बना है यहाँ पर। देखिए, जैसे सबको पता होगा कि अभी बकरा ईद का सीज़न है, तो अभी यहाँ पर देखिए आज भी गोश्त बन रहा है, जो कि सब घर वालों को और ख़ासतौर पर मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ये बिल्कुल रेडी होने वाला है, क्योंकि आज मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि मैं ये सालन भी बना रही थी और साथ में घर के काम भी थे तो वो भी कर रही थी। और अभी मैं आपको बस यही दिखा रही हूँ, जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर भी आपको मैं दिखा दूँगी। अभी सबके घर में यही फ़िलहाल बन रहा होगा। अभी यहाँ पर देखे मैंने बिल्कुल सफाई कर ली है पूरे घर की, और इस रूम में अब बैठे हैं, टीवी चला के बैठे हैं, तभी इसमें नहीं जा सकते, और इसमें अम्मी बैठी हुई हैं। और यहाँ पर देखे वकार भाई के रूम की भी सफाई हमने कर ली है, और इसमें कमरे में तो बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ये बिल्कुल बंद कमरा है ना। अभी अपने वाले रूम में चलते हैं, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है। चलिए अभी हमारा सालन जब तक रेडी होता है अभी चल के अम्मी के साथ बैठते हैं। अम्मी भी हमारे रूम में है, ये वाला रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। चलिए यहाँ पर देखें अभी ये रूम बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो अभी मैं बना रही हूँ सालन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया किस चीज़ का बन रहा है। तो बकरा ईद है तो आपको पता होगा सबके घर में फ़िलहाल यही बन रहा होगा गोश्त, सुबह भी गोश्त शाम को भी गोश्त। चले अभी चलते हैं और देखते हैं हमारा सालन बना है कि नहीं बना। अभी मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं घर से बाहर, और सफाई तो हमने सारी मुकम्मल कर ली है। गर्मी इस कमरे में बहुत है, उस कमरे में अम्मी बैठी थी तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, तो इस रूम में आ गई हूँ आप सबको सलाम करने के लिए। तो अभी चलते हैं और बाहर अपने सालन को भी देखते हैं, और थोड़े से और काम भी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अबू ने कहा था जाओ भाई सामान लेकर आओ, और घर पे सामान नहीं है तो ये अभी सामान लिया है, एक कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ दही, अंडे, डबल रोटी, और दही मिली नहीं मुझे, आगे से आके लेनी पड़ेगी। तो पहले सामान देते हैं अबू को, फिर जाएंगे अभी जॉब पे। ये अम्मी से नाराज़ हो गए। नहीं यार, बात ये है कि कुछ चीज़ें हमें खुद करनी होती है, वो नहीं समझ होती ना अम्मी, तो मैंने क्या बोला इनको, मैंने सिर्फ समझाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब नाराज ना हो, मान जाए। मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया था, और मैंने क्या किया? नहीं, वो बात ऐसी थी ना, लेकिन कोई बातें गलत हो रही ना अभी, वो बातें नहीं होनी चाहिए थी। खैर, आप हर चीज को हमें समझा लेती हैं, अगर आप कुछ भी कह जाते हैं हमें, लेकिन खैर है, चले अभी मान भी जाए। कौन सी नाराजगी, अम्मी से कोई नाराजगी होती है? थोड़ा सा गुस्सा आ गया था मुझे, ये क्या हो रहा है आपको पता है अच्छे से। चले भाई, अभी एक दूसरे से मान गए। तो भाई माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब कमरे में माँ बेटा एक दूसरे को मनाने के लिए बैठ गए थे, तो यहाँ पर हमारा सालन भी तैयार हो गया। अभी चलते हैं, देखते हैं फिर से ना झगड़ा जो हो जाए, मतलब थोड़े से एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मान भी गए, 2 मिनट की नाराज़गी थी। अभी चलते हैं, और अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए थे ना, तो ये सामान भी लाए हैं, ये ब्रेड भी लाए हैं और अंडे भी लाए हैं, नाश्ते में यही खाते हैं ना। चले भाई, भाई अभी मेरा मूड हुआ स्पैगेटी खाने का, क्योंकि मैं गोश्त तो खाती नहीं हूँ, है ना। मैं अभी जस्ट नाउ घर आया हूँ, तो देखा भाई ये बनाई हुई इन्होंने, और हालांकि वो अब्बू ने आज बनाया है, बकरा बनाया जी, बकरे का सालन बनाया आज माशाल्लाह से। वो आप खाना आपके लिए, वो मैं खाऊंगा, और ब्लॉग बचा वो भी खाऊंगा। आज मेरा रात को सीन है अलीबा, ओके, बारबेक्यू का। अभी हो रहे हैं रात के 7, तो भी हम चलते हैं बाहर थोड़ा। चले पहले ये तो फिनिश करवा। ये आप खाएं, मैं नहीं खाना। ये देखें 2 चम्मच है। चले खाते हैं, चले बिस्मिल्लाह करें और खाएं। माशाल्लाह से यहाँ पर देखें इन्होंने अपने को जो अपने ढूंढ लिए। आपको बताते हैं आज ढोल कैसे बजता है? आपकी अम्मी रोज बताती है, आज आप भी बता दें। वकार की शादी की प्रैक्टिस हो रही है, ये बहुत महंगा और एजुकेटेड ढोल वाला है, ठीक है, अप्रिशिएट करें, वेरी नाइस होना चाहिए।
जब सीख ले फिर हमें बताइएगा, हम फिर बाद में व्लॉग बनाएंगे। ये डीजे है, डीजे प्लस ढोल, देसी स्टाइल प्लस फैंसी स्टाइल। चले माशाल्लाह प्रैक्टिस करें। ये अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, तो वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि आपको एक जगह लेकर जाना जो काफ़ी फेमस है, और उस जगह का नाम मुझे बता रहे थे शायद बंस रोड। तो अभी चलते हैं, वो मेरा वेट करें हमेशा की तरह। तो मैंने कहा आप चले, मैं 5 मिनट में तैयार होकर अभी आ जाती हूँ। तो मेरी तैयारी बस इतनी होती है कि दुपट्टा पहना, ये गाउन पहना, बस चले, और ये मास्क जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी चलते हैं, अम्मी अबू तो सब सो रहे हैं, वकार भाई भी सो रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हम चलते हैं। और बस यहाँ पर देखें, मैंने अपना और अपने हस्बैंड का सामान बिल्कुल साथ रख दिया। पहले कैफ होता था, यहाँ पे है मेरे हस्बैंड का और यहाँ पे होता था मेरा सामान, तो अभी साथ में है और हम चलते हैं। काफ़ी देर हो जाएगी और रात को कहीं उन्हें जाना भी है 10 बजे, तो अभी कह रहे हैं मैं आपको पहले घुमा के आऊँगा फिर मैं जाऊँगा, तो फिर मेरा वेट करें, अभी मैं जा रही हूँ। और एक बात, हर रोज़ मुझे कहीं नई जगह पर लेकर जाती हैं और कहते हैं मैं आपको हर चीज़ ट्राई करवाऊँगा और जो भी अच्छी लगे मुझे बताइएगा। माशाल्लाह से मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हर जगह जो भी अच्छी चीज़ मिलती है मुझे टेस्ट करवाते हैं और पूछते रहते हैं कैसी लगी। जहाँ से मुझे अच्छी लगती है मैं बता देती हूँ, जहाँ से नहीं लगती तो भी बता देती हूँ। अभी जा रहे हैं बंस रोड, वो वेट कर रहे हैं, देखते हैं वो कैसी जगह है। इतने दिनों से कह रहे हैं शायद अच्छी जगह होगी, तो इतने दिनों से कह रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। और अम्मी शायद उठ चुकी है, उन्हें भी बता के जाते हैं ताकि वो परेशान ना हो जाए। तो जी मैं वापस आया हूँ और लिखवा जो है ना अपना स्पेगेट्स बना के बैठी हुई थी, तो आज कुछ खास नहीं था, कुछ बनाया नहीं हमने, और फ्री होके जस्ट ना अभी आया हूँ, और कल से फिर जो है ना रेडी ट्रेन के बिज़ी होगी हमारी लाइफ, और आज कुछ इतना काम था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। खैर आज रात को सीन बनाया दोस्तों की, कॉल आई थी फिर काम, मैंने भाई ऑफिस से हूँ, ऑफिस में बिज़ी था, तो फिर वहाँ से फ्री होके जैसे आया, तो अभी मैंने सोचा था अलिशबा और मैं जाएंगे बाहर और कुछ फूड स्ट्रीट जाके कुछ ट्राई करेंगे, क्योंकि अलिशबा मीट वगैरह नहीं खाती हैं भाई, और चिकन भी नहीं खाती शौक से, बस वो जिंगर खा लेती है। मुझे ये हैरान किए कि क्या चीज़ है ये। खैर अभी वो नमाज़ पढ़ने लगी है मगरिब की, और टाइम ख़त्म होने था, मैं भी नमाज़ पढ़ चुका हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सोचे हम जाएंगे बाहर और वापसी आएंगे, थोड़ी देर में आप बताते हैं, और फिर अभी निकलते हैं बाहर थोड़ी देर। और अलिशबा को मैंने सोचा था कि एक कराची की फेमस फूड स्ट्रीट है वहाँ का कुछ ट्राई करेंगे, आपको मिलाते हैं, आपने भी सुना होगा अक्सर ब्लॉग्स में बंस रोड। अच्छा मेरे ऑफिस के हेड भी वहीं रहते हैं बंस रोड पे, तो खैर मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ, लेकिन आज अलिशबा को फूड स्ट्रीट का विज़िट कराते हैं। पार्किंग में हैं और अपनी धन्नो को निकाल रहे हैं पार्किंग से, धन्नो जी को आज ले जाएंगे, तो भैया अभी धन्नो निकाल रहे हैं पार्किंग से दोबारा, और फिर जा रहे हैं बंस रोड, पाकिस्तान की फेमस फूड स्ट्रीट, वहाँ का फूड ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो पूरी फूड स्ट्रीट आपको दिखाते हैं, चमकती दमकती हुई कैसी फूड स्ट्रीट है हमारी कराची की। कराची की फेमस फूड स्ट्रीट बंस रोड, और यहाँ पर कराची हलीम हाउस और कराची हलीम, आगा सज्जी और बहुत फेमस जैसे फूड सेंटर बहुत पुराना है यहाँ पर, और कैफे लजीज़ और अनवर मटन और देली रबड़ी हाउस, ये फेमस स्ट्रीट के जो है ना फेमस पॉइंट्स है, ये बहुत पुराने यहाँ पर। तो हम आ गए अभी यहाँ पर, तो चलते हैं आगे। ये जो है पॉइंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, बहुत फेमस स्ट्रीट है एक बंस रोड, यहाँ पर हुकूमत ने पूरी एक स्ट्रीट बना दी है कि यहाँ पर आप, और आज थोड़ी सी ओपन है हमारा, यहाँ पर चेयर वगैरह लगी होती हैं, कल और परसों यहाँ बहुत रश था। और अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या ट्राई करना है, या तो रबड़ी मीठे में, और इसके अलावा देखते हैं क्या खाना है, अभी सोच रहे हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, कंफ्यूज हो गए क्या खाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत पुराने पुराने और मशहूर जो है ना बाबू बंद कबाब, अक्सर आपने देखा होगा हर फूड स्ट्रीट, हर ब्लॉगर जो है ना
फूड ब्लॉगर जो भी फूड के हवाले से ब्लॉगिंग करता है वो यहाँ बाबू के बंद कुआ पे ज़रूर आए। ये फेमस और बहुत पुराने बंद कुआ वाले हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पर ये हैं भाई बाबू बंद कुआ। यहाँ पर जो वो लगा के बैठे हैं बहुत पुराने बंद कुआ वाले जो कि बहुत ही फेमस है बाबू के नाम से, वो यहाँ बैठते हैं। मेरे ख्याल उन्होंने आज नहीं लगाया शायद। यहाँ पर मटन की दाने लगी हुई हैं और बाबू भाई जो है ना ईद के बाद लगाएंगे अपना स्टॉल, उन्होंने आज नहीं लगाया हुआ। और बाकी के जो है स्टॉल आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, और क्योंकि बकरा ईद है जाहिर सी बात है हर कोई गोश्त वगैरह खाने पे ज़्यादा फोकस करता है, बारबेक्यू आइटम ज़्यादा है यहाँ पर। तो वाली बात मेरा ख्याल है रिंगर वगैरह खाएंगी, इसके अलावा तो कुछ बारबेक्यू आइटम नहीं खाती है। पैसे ही नहीं उठा थे और हम इतना दूर आके फिर आए यहाँ पर एटीएम मारने। अब एटीएम मारा है मारा नहीं, पैसे ही घर भूल गई माशाल्लाह, कोई मसला नहीं। चलें भैया अभी एटीएम मार लिया, अब चलते हैं। ब्लॉगिंग यही करने वाले थे, यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ वाले आ गए और समा ये समा न्यूज़ के थे, इन्होंने हमसे थोड़ा इंटरव्यू कर लिया है तो अभी दूसरों से ले रहे हैं इंटरव्यू ईद के थर्ड डे पे। तभी अलिशबाद जो कैमरा चाहे इन्होंने थोड़ी सी कम बात की तो वो चले गए दूसरी फैमिली से बस। तो हमारा इंटरव्यू लिया है समा न्यूज़ वालों ने। तो अभी यहाँ पर ये पूछना चाह रहे थे कि तीसरे दिन आप आए हैं यहाँ पर तो कैसा लग रहा है, तो हम उनको वही बता रहे थे कि कैसा लग रहा है। अभी जो है हमने ऑर्डर किए गोलगप्पे, देखें अभी हमारा ऑर्डर आ रहा है, देखते हैं यहाँ गोलगप्पे किस तरह के, उसके बाद देखते हैं आगे का सीन। ऑर्डर किए हैं यहाँ से और गोलगप्पे वगैरह ट्राई कर रहे हैं और आगे जाके अभी शायद मैं आइसक्रीम खाएंगी नहीं खाएंगे आइसक्रीम से दिल भर गया तो सिर्फ गोलगप्पे और शायद रबड़ी भी मैं ले लूँ और मिठाई की जॉब पे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्या अलीशबा मिठाई, यहाँ मिठाई अच्छी है यहाँ की, वैसे फेमस है हैं माशाल्लाह। ट्राई करते हैं यहाँ की मिठाई की। हमारे गोलगप्पे आ गए हैं तो आप अपने मीठे गोलगप्पे खाएं, और ये तो कोल्ड ड्रिंक भी आ गए हैं, ये तो हमेशा अपने मीठे गोलगप्पे खाते हैं। वेरी नाइस, चलो अभी टेस्ट करें बताएं फिर टेस्ट करते हैं इसको भी और फिर बताते हैं किस तरह के। बर्न्स रोड को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं और हम जाने लगे हैं अभी आगे, लेकिन अलिशबा को जहाँ से अच्छा लगा था जिंगर वहीं से ट्राई करते हैं। अलिशबा बोली वहीं का खाना मुझे, तो यहाँ से हमने सिर्फ गोलगप्पे खाए और कोल्ड ड्रिंक्स ली। आइसक्रीम खाने का मूड नहीं हो रहा अलिशबा का, कह रही है कि भाई मुझे मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाना अब। तो मैंने जिंगर का कहा, अलिशबा ने कहा मुझे नहीं लगता यहाँ का अच्छा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट किया अलिशबा ने। तो अलिशबा ने कहा बस जहाँ से खाया है वहीं से खाएँगे। अभी हम जाने लगे हैं बंस रोड यहाँ से और वहीं का जिंगर ट्राई करेंगे, और साथ में हमने आज इंटरव्यू भी दे दिया यहाँ पर। आइसक्रीम भी मूड ऑफ कर दिया अलिशबा ने, कहा आइसक्रीम नहीं खानी, इतना मीठा नहीं खाना है। तो अभी हम जाने लगे बंस रोड को, कहते हैं अल्लाह हाफिज़ और चलते हैं बोर्ड पे। सन आ गए टीपू जहाँ पर अलिशबा को जिंगर खिलाया था, जहाँ का अलिशबा को बहुत पसंद आया था, और ये वही जगह है भाई देख लो, यही जगह है। और इनके लिए जिंगर मैंने पार्सल किया अपने लिए हॉट जंबो फ्राइज़, मैंने नहीं खाना इतना क्योंकि मुझे अभी बारबेक्यू भी जाना है और इतना भूख नहीं, लेकिन खैर वो इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो फिर मैं जाऊँगा अभी आपको ड्रॉप करके फ्राइज़ खा के निकल जाऊँगा फ़ौरन, ठीक है। तो ये कोई और हुक्म है तो बताओ, जल्दी आएगा। ओके, हर वाइफ का यही होता है कि जल्दी आएगा, जल्दी आएंगे भाई, जल्दी आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई यहाँ से अभी हमारा 10 से 15 मिनट का स्टे है क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर। पार्सल की खुशी में अलीबा बोल रही अभी जल्दी घर चलो इससे पहले ठंडा हो जाए। हम पार्सल ले चुके, काफ़ी रश है आज, ईद का लास्ट डे और अभी धनों पर बैठने लगे हम और जाने लगे हैं घर। हाँ खाना ख़त्म नहीं हो जाएगा, लास्ट डे तो है लेकिन खाना ख़त्म नहीं हो जाएगा। वाह भाई वाह, अलिशबा के पॉइंट्स टू बी नोटेड। तो अभी चलते हैं घर। अभी हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखें इनको भूख ज़रा सी भी नहीं थी ज़रा सी भूख नहीं थी लेकिन ज़रा सी थोड़ी ही तो थी ना। अच्छा अब खाएं, आप ठंडे हो गए। यमी यमी, ओह वेरी नाइस, सब कुछ है। हाँ। आज इंटरव्यू दिया कैसा लगा है? इंटरव्यू वो सवाल पूछने वाले सवाल भूल गया। आप थोड़ा सा आहिस्ता लाया करें, आवाज़ निकाली आहिस्ता। मैंने आहिस्ता बात की लेकिन मैंने उसको अनएक्सपेक्टेड जवाब दे दिया ना, अब उसके बाद सवाल बचे नहीं। वो दो थे और आप एक थे, आपने उन दोनों को कंफ्यूज कर दिया। नहीं, उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा ना मैंने उनके आंसर एक के दो दिए,
उन्होंने पूछा कि भाई ईद के सीजन में घर में गोश्त कैसे निकाला जाए, हमने कहा बिल्कुल कितना गोश्त खाएंगे। उसके अलावा दो तीन सवाल उन्होंने किए, मैंने उनको जवाब दिया। अच्छा अभी ये खाएँ, ठंडे हो जाएंगे फिर बात करेंगे। मैं अभी खाती हूँ, मेरे तो ऐसे पड़े हुए हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. भाई हमारा यहाँ पर अभी एक अफगानी डिश बन रहा है देसी स्टाइल में, ये चूल्हा और उसके ऊपर ये रोस्ट बन रहा है ऐसे है। तो बारबेक्यू सीन ऑन होना किया नहीं लोगों ने मेरी वजह से, क्योंकि मैं लेट हो गया, तो अभी स्टार्ट करने लगे। कोयला भी आ गया, अब अंगीठी और सीखें आएंगी, उसके बाद हम बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये रोस्ट बना है, अफगानी डिश है, दिखाएंगे क्या होता है। अभी बारबेक्यू स्टार्ट है और आज का जो है ना कोयलों का जिम्मेदारी और सीखों की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो आपको दिखाते हैं कितना सीखे लगाते हैं और कोयले कैसे जलाते हैं, तो आपको दिखाते हैं अभी। अभी बारबेक्यू से हो गया मैं लेट और अलीशवा और ही थोड़ा सा गुस्सा कि भाई मुझे 10 बजे कहा था कि 1 बजे आएंगे और आया 2:30 बजे। तो भाई सीखे असल में लेट आ गई थी, तो इस वजह से हम जो ना लेट हो गए थे, माजरा चाहते थे इस चीज़ के लिए। खैर नया आने वाले को वेलकम करते अपने चैनल पर, और बस यही छोटा सा एक मैसेज था कि बस जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।